Hello student, a very good morning to all of you. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है केमिस्ट्री के इस थर्ड लेक्चर के अंतर्गत. तो स्टूडेंट, हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे दो लेक्चर देख चुका है जिसमें हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के बारे में देखा था और उसका बहुत सारे जो मटेरियल्स है उसको कवर भी किया है हम लोगों ने. तो आज हम उससे आगे कुछ सीखेंगे और उसको पढ़ेंगे. तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स, यानी उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन है, जनरल परिचय है हैलोएल्केन और हैलोएरिन्स का, वो हम लोगों ने देखा था. फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन क्या है. उसमें हम लोगों ने उसके पहला जो क्लास देखा था वह देखा था कि तो हम लोगों ने उसमें देखा था कि पहला क्लास हम लोगों ने देखा था कि हेलोजन एटम के संख्या के आधार पे, दूसरा जो अपने पास क्लास था वह था CX बॉन्ड के नेचर के आधार पे. तो CX बॉन्ड के नेचर के आधार पे हम लोगों ने तीन क्लासेस देखे थे. पहले उसमें था कि अगर CX बॉन्ड जो है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन या हाइड्रोजन कंपाउंड से जुड़ा हो, यानी हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हो. दूसरा क्लास हम लोगों ने देखा था कि अगर CX बॉन्ड जो है वह डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हो. फिर थर्ड हमने देखा था कि अगर जो भी हमारे पास CX बॉन्ड है अगर वह ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हो तो उसके आधार पर क्या क्या कंपाउंड अपने पास आ सकते हैं, क्या क्या हेलोजन कंपाउंड अपने पास आ सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा था. तो अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं. पहला अपने पास क्लास था नंबर एक में कि CX बॉन्ड इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो अपने पास, sp3. यानी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि जैसे देखते हैं हम कि हमारे पास एक कंपाउंड है H और यहां भी अपने पास क्या है H. ये अपने पास एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, मीथेन, हाइड्रोकार्बन से मीथेन. अब हम देखते हैं कि इसमें यह एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां भी अपने पास एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां भी अपने पास एक सिग्मा बॉन्ड है और यहां भी अपने पास है सिग्मा बॉन्ड है. यानी टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितने हैं, 4. यानी तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3. यानी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने हैं, 4. तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया s ब्लॉक में, s ऑर्बिटल में, और तीन इलेक्ट्रॉन कहां गए, p के अंदर. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाता है, sp3. तो इसके आधार पे जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है इसके क्लासिफिकेशन को. पहला था कि अगर अपने पास हो जाए R C, यहां आ जाए H H और यहां आ जाए X, तो यहां पे यह अपने पास क्या है, CX बॉन्ड. क्या है अपने पास, CX बॉन्ड. क्या है अपने पास, CX बॉन्ड. तो इसको बोला जाता है प्राइमरी. क्या बोला जाता है, प्राइमरी, जहां R बराबर क्या हो जाता है, अल्काइल या अल्काइल ग्रुप. क्या हो जाता है, अल्काइल ग्रुप.
एक एग्जांपल लेके भी हम समझ सकते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3, CH और यहां अपने पास क्या आ गया Cl। तो यहां पे यह कौन सा हैलाइड होगा? प्राइमरी हैलाइड। क्या होगा? प्राइमरी हैलाइड, या इसका नाम भी हम लोग लिख सकते हैं, नाम हो जाता है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। सो स्टूडेंट, यह हमारे पास की कौन सा एग्जांपल था? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। किसका एग्जांपल था? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जस्ट लाइक दैट एक और हम लोग देखते हैं, आर सी सी एच थ्री, और यहां भी क्या हो गया, सॉरी यहां एक और आर ले लेते हैं, आर एच, और यहां अपने पास हो गया एक्स। तो देखा जाए जो हमारे पास सेंट्रल कार्बन है इसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप आ गए? दो। तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी, क्या बोला जाता है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। नंबर थर्ड, इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहां पे, आर सी, या यहां सी एच थ्री ही ले लेते हैं, सी एच थ्री सी एच थ्री, और यहां ले लेते हैं सी एल, और यहां ले लेते हैं एच। तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितने आ गए? दो। तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ओके, अब एक और हम क्लास देखते हैं, अगर हो जाए आर सी आर, और यहां हो जाए आर, और इसके साथ एक जुड़ जाए हैलोजन, तो इसको बोला जाएगा टर्सियरी टर्सियरी अल्काइल हैलाइड। टर्सियरी अल्काइल हैलाइड, यानी इसको बोलते हैं हम 1 डिग्री, इसको बोलते हैं हम, सॉरी, इसको बोल देंगे 1 डिग्री, या हो गया अपने पास 2 डिग्री, और या हो गया अपने पास 3 डिग्री। ठीक है, एक और एग्जांपल इसके साथ ले लेते हैं, सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री, और यहां हो गया सी एल, यह भी क्या हो गया? टर्सियरी टर्सियरी अल्काइल हैलाइड। क्या हो गया? टर्सियरी अल्काइल हैलाइड, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे पहला जो था अपने पास वह है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सियरी। यानी देखा जाए सब में तो CH बॉन्ड जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास आ जाता है यस। तो देखा जाए कि CH बॉन्ड जहां जहां भी जुड़ा हुआ है, जस्ट उसके बगल वाले जो अल्काइल ग्रुप है सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। क्या है? sp3। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसको राइट डाउन कर लिया जाए। अब हम चलते हैं बी में, है एलाइल हैलाइड। पहला अपने पास था sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सियरी, यानी CH बॉन्ड तो अगर जुड़ा हुआ हो लेकिन जस्ट उसके बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3। क्या हो हाइब्रिडाइजेशन? sp3। तो अब हम देखते हैं इसके बी में
एक अपने पास आ जाता है एलाइल, एलाइल या एलाइलिक हैलाइट। क्या देखा जाए? एलाइलिक हैलाइट, एलाइलिक हैलाइट यानी हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसके जस्ट बगल वाले उसके जस्ट बगल वाले एडजेसेंट या जस्ट बगल वाले दो कार्बन परमाणुओं में C डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एलाइलिक हैलाइड। जस्ट लाइक देखते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड H और यहां हो गया X, जहां where X बराबर Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। क्लियर है? फिर C में एक और क्लासिफिकेशन आ जाता है अपने पास बेंजाइलिक हैलाइड। क्या आ जाता है स्टूडेंट? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक का अर्थ है कि कहीं ना कहीं यह जो हैलोजन कंपाउंड है इसके साथ बेंजीन रिंग जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा? बेंजीन रिंग जुड़ा रहेगा। तो हम देखते हैं कि इसका एग्जांपल जो है अपने पास वह है बेंजीन रिंग और इसके साथ CH और इसके साथ क्या आ गया X, जहां where X बराबर Cl भी हो सकता है Br भी हो सकता है। आ रहा है बात समझ में? तो हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि बेंजाइलिक और एराइल दोनों एक चीज है या डिफरेंट है। लेकिन डिफरेंट है स्टूडेंट, ये सब क्या है? डिफरेंट है। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड में जो है CX बॉन्ड उपस्थित है और यह CX बॉन्ड अटैच है किस रिंग के द्वारा, लेकिन एराइल में जो है जो भी हमारे पास हैलोजन एटम है वह डायरेक्ट अटैच रहते हैं किसके द्वारा? रिंग के द्वारा। अरे बात समझ में? तो पहले इसको राइट डाउन कर लिया जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं जो किसके आधार पे है? CX बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप। देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दो नंबर जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हो और उससे क्या जुड़ा हुआ हो? CX बॉन्ड जुड़ा हुआ हो।
क्या जुड़ा हुआ हो, सी एक्स बॉन्ड जुड़ा हुआ हो। तो इसके आधार पर हम देख लेते हैं कि इसके आधार पर दो कैटेगरीज आते हैं हमारे पास, दो कैटेगरीज आते हैं। पहला कैटेगरी जो है उसको हम लोग बोलते हैं वेनाइलिक हैलाइड। क्या देखते हैं, वेनाइलिक हैलाइड। और दूसरा जो है वह है अपने पास एराइल हैलाइड। पहला वेनाइलिक हैलाइड और दूसरा है एराइल हैलाइड। यानी यहां पे जस्ट हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड X, तो इसको बोला जाता है विनाइल ग्रुप। क्या बोला जाता है, विनाइल ग्रुप। और इसके साथ क्या जुड़ गया है, हैलाइड, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विनाइल हैलाइड। नेक्स्ट है एराइल हैलाइड, यानी जैसे देख लेते हैं हम यहां पे क्या जुड़ा हुआ हो, X, यानी X कहने का मतलब है कि Br जुड़ा हो, Cl जुड़ा हो, I जुड़ा हो, या फिर क्या जुड़ा हो, F जुड़ा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल एक दो हम और देख लेते हैं, Cl Br, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एराइल हैलाइड। इसके एग्जांपल हैं ये सब, एराइल हैलाइड के एग्जांपल हैं। तो यहां पे जो है एक और अपने पास बच जाता है, और वह थर्ड जो है क्लासिफिकेशन जो थर्ड है sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे, किसके आधार पे, sp हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। जैसे यहां पे हम देख लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड X, यानी एसिटाइल हैलाइड। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, ऑर्बिटल के अंदर है। तो यहां पे आके अपना जो क्लासिफिकेशन है वह आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे जो अपना क्लासिफिकेशन है वह आके कंप्लीट होता है। अब हमें देखना है नोमेनक्लेचर के बारे में, हमें देखना है CX बॉन्ड के नेचर के बारे में कि वहां पे कौन सा इफेक्ट हो रहा है, वहां पे कहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, कहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हैलोजन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वह क्यों आ रहा है, अब हमें इसके बारे में देखना है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो रिंग्स। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो रिंग्स, देखिए स्टूडेंट हमने 11th में ही पढ़ रखा है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको दो प्रकार से उसके नाम को हम लिख सकते हैं। पहला नाम कहलाता है कॉमन नेम सिस्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है साधारण पद्धति या सामान्य पद्धति। और दूसरा जो सिस्टम अपने पास आता है वह सिस्टम आता है IUPAC सिस्टम, यानी इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का जो नोमेनक्लेचर है वह कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरिंस, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरिंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है नामकरण। क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट, नामकरण।
नामकरण। तो देखिए जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका नॉमनक्लेचर जो है वह दो सिस्टम के द्वारा किया जाता है। पहला होता है कॉमन नेम सिस्टम, साधारण या साधारण नामकरण, नामकरण पद्धति, या इसको बोल सकते हैं सामान्य नामकरण पद्धति। ठीक है, सेकंड जो अपने पास सिस्टम आता है वह क्या लाता है, आई यू पी ए सी नेम सिस्टम, IUPAC नेम सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहां पे हम एक एक करके देखेंगे कि जो हमारे पास हेलो एल्केन्स है, हेलो एरिन्स है, उनका नाम हम कैसे लिखेंगे, अगर एग्जाम में आ रहा है तो हम उसका नेम कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे बनाया जाता है कि हेलो एल्केन हेलो एरिन्स कोई कंपाउंड रहेगा आपके पास और पूछ लिया जाएगा कि इसका आप आईयूपीएसी नेम बताएं या इसका कॉमन सिस्टम में इसका नाम आप बताएं। तो वहां पे आपको ये कंसेप्ट को ध्यान देना है और उस हिसाब से आपको इसके नाम को लिखने एग्जाम। तो थोड़ा सा मैं पहले बता दे रहा हूं एराइल के बारे में, एराइल के बारे में, यानी यह अपने पास है बेंजीन रिंग। क्या है स्टूडेंट, अपने पास यह क्या है, बेंजीन रिंग। तो देखिए यहां पे अगर हम नेमिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4 अगर कॉमन सिस्टम में आप बेंजीन का नाम लिखते हैं तो वहां पे आपको यूज करना है अर्थो मेटा और फेरा। क्या यूज करना है, इन कॉमन सिस्टम, इन कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम आपको यहां पे नाम लिखना है। एक दो पोजीशन को बोला जाता है, देखिए IUPAC कॉमन नेम सिस्टम में हम लिखेंगे अर्थो, जिसको इंडिकेट किया जाता है ओ के द्वारा, अर्थो, दूसरा लिखेंगे मेटा, जिसको इंडिकेट किया जाता है स्मॉल एम के द्वारा, और थर्ड लिखेंगे पैरा। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, पैरा, जिसको इंडिकेट किया जाता है पी के द्वारा। किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, पी के द्वारा। तो हमारे पास कॉमन सिस्टम में बेंजीन रिंग के अंदर क्या आ गया, अर्थो मेटा और पैरा। अब इसी का नामकरण हमें करना है IUPAC के अंदर, किसके अंदर करना है, IUPAC के अंदर। तो अर्थो के लिए हम यूज करेंगे, अर्थो के लिए हम यूज करते हैं 1 2, ठीक है, पैरा के लिए, मेटा के लिए हम यूज करेंगे 1 3, और पैरा के लिए यूज करेंगे हम 1 4। क्या यूज करेंगे, 1 4, यानी कॉमन सिस्टम में आपको यूज करना है अर्थो मेटा और पैरा, आईपीएससी सिस्टम में आपको यूज करना है 1 2, 1 3 और 1 4। तो हम कुछ कंपाउंड लेते हैं उदाहरण के तौर पे और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई कंपाउंड हमारे पास आ जाए तो हम उसका नॉमनक्लेचर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सामान्य नाम, सामान्य नाम, और इसके जस्ट नीचे लिख सकते हैं IUPAC नेम, IUPAC नाम।
ठीक है, यहां तक आ रहा है बात समझ में। अब हम देखते हैं कि एक हम कंपाउंड लेते हैं CH3 CH2, और यहां पे लिख देते हैं हम Br। एक और लिख लेते हैं कार्बन CH2, और यहां पे लिख लेते हैं Br। तो देखिए प्रायोरिटी हम किसको देंगे, जिधर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसके लिए या कार्बन हो जाएगा कार्बन नंबर वन, या कार्बन हो जाएगा कार्बन नंबर दो, और या कार्बन हो जाएगा कार्बन नंबर तीन। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितने हैं, तीन। तो तीन के लिए हम कौन सा रूट यूज करते हैं, प्रो। कौन सा रूट यूज करते हैं, प्रो। तो सामान्य नाम में हम लिखेंगे ब्रोमो या, चूंकि ये चैन में है तो लिख लेते हैं नॉर्मल प्रोपाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब अगर हम नेमिंग करते हैं तो 1 2 3, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या यूज किया हमने, 1 ब्रोमो प्रोपेन। नंबर दो, इसी को एक और तरीके से हम लिखते हैं CH2 3 CH, और यहां लिख देते हैं CH3। यहां भी तीन कार्बन है, लेकिन जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जो हैलोजन जुड़ा हुआ है, वह किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, सेंट्रल कार्बन पे। कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, सेंट्रल कार्बन पे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आइसो। क्या यूज करते हैं, आइसो। यानी अगर जो भी ब्रांच है या जो भी हमारे पास लोकेंट है, अगर वह सेंटर में जुड़ा हो या ब्रांच के मिडिल में हो या ब्रांचिंग हो बीच में, तो वहां पे उसके लिए हम यूज करते हैं आइसो। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, आइसो। तो इसके लिए हम देखते हैं आइसो आइसो मिथेन इथेन और प्रोपेन प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड या क्लोराइड। क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्लोराइड। अब इसका आईपीसी नेम देखते हैं तो इधर से भी हम नेमिंग कर सकते हैं 1 2, और यह क्या है 3। चूंकि इधर से भी 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इधर से भी 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो हम इधर से भी नेमिंग कर सकते हैं और जस्ट अपोजिट उधर से भी नेमिंग कर सकते हैं। तो यहां से करेंगे तो 1 2, और यह अपने पास क्या आ गया, 3। तो इसके लिए हमारे पास क्या आईपीएसी नाम आ गया, 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या नाम आ गया स्टूडेंट, 2 क्लोरो प्रोपेन। एक और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल CH3 CH, और यहां से जुड़ा हुआ है CH3 CH2, और यहां जुड़ा हुआ है C। देखा जाए लोकेंट यहां पे भी लगा हुआ है, तो इसके लिए भी हम ये क्या यूज करेंगे, आइसो। क्या यूज करेंगे, आइसो। यानी आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। और आईपीएसी के लिए क्या यूज करेंगे, यहां से अगर हम ब्रांचिंग लेते हैं तो 1 2, और यहां से क्या हो गया 3। यानी 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और मिथेन इथेन प्रोपेन प्रोपेन 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सो स्टूडेंट, ये तो सब 11th में पढ़ा हुआ चीज है, फिर भी आपको मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही डिटेल्स में जाके बता रहा हूँ, ताकि नोमेनक्लेचर जो है वो आपको थोड़ा सा जहन में आ जाए, थोड़े से आपके माइंड में आ जाए। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, और यह बहुत जरूरी चीज है, इसको आप VVI लगा के लिख लीजिए कि
क्योंकि यह सभी किताब में नहीं दिया हुआ है, आपको जल्दी से नहीं मिलने वाला है। तो आप उसको कहीं कॉर्नर में या जहां पे आप नोट्स बना रहे हैं वहीं पे उसको लिख लो, ताकि जहां भी उसका नॉमन क्लेचर आ जाए वो आपको समझ में आ जाए। मैं उसका कुछ नॉमन क्लेचर भी यहाँ पे बताऊंगा जो आपको उसका एप्लीकेशन समझ में आएगा कि आखिर मैंने वह क्यों बताया है, एक कॉर्नर में मैंने उसको क्यों बताने की कोशिश किया है, कॉमन सिस्टम आईपीएससी सिस्टम में क्या फर्क है, या वहां से आपको क्लियर दिखाई देगा। और फिर मैं अभी नाम लिखूंगा बोर्ड पे, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले इसको ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल नॉमेनक्लेचर के, जो साफ साफ क्लियर नजर आएगा और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा साथ ही साथ। सो स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ एरोमेटिक कंपाउंड को आईपीएससी सिस्टम में और कॉमन सिस्टम में नाम लिखने के लिए सीखते हैं। देखते हैं कौन से एरोमेटिक कंपाउंड है। जस्ट लाइक दैट यहां वैसे ही हम लिख लेते हैं सामान्य नाम और यहां पे लिख लेते हैं आईयूपीएसी नाम, सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम। अब देखते हैं, पहला कंपाउंड है हमारे पास, यहां पे अगर जुड़ जाए ब्रोमीन, क्या जुड़ जाए ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, क्या नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, और इसका आईपीएसी नेम भी सेम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, क्या नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। एक और देखते हैं, यहां पे जुड़ जाए बीआर और यहां भी जुड़ जाए बीआर, ठीक है, वहां भी बीआर जुड़ जाए और यहां भी बीआर जुड़ जाए। तो अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3 और यहां क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और इसके लिए यह क्या कहलाएगा, अगर यहां हम लोग इसको प्रायोरिटी देते हैं तो यह इसके लिए हो जाएगा अर्थो पोजिशन, यह हो जाएगा मेटा पोजिशन और यह हो जाएगा पैरा पोजिशन। तो दूसरा ब्रोमीन किस पोजिशन पे लगा हुआ है स्टूडेंट, अर्थो पोजिशन पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं अर्थो डाइब्रोमो, अर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, अर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। अगर आईपीएससी सिस्टम में लिखते हैं तो 1, 2 डाइब्रोमो, 1, 2 डाइब्रोमो बेंजीन, 1, 2 डाइब्रोमो बेंजीन। सो कितने एग्जाम्पल यहां पे आ गए अपने पास, 2। एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है यह, बी आर, यहां भी अपने पास आ जाए बी आर और यहां भी अपने पास क्या आ जाए बी आर। अब यहां पे कितने हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं अपने पास, 3। कितने हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3। तो पहला आ गया, इसके लिए नंबरिंग किया जाए तो 1, 2 और 3 और यह क्या हो गया 4। अगर कॉमन सिस्टम का बात किया जाए तो यह अपने पास हो जाएगा अर्थो, 3 वाला हो जाएगा मेटा और 4 वाला हो जाएगा पैरा। तो इसका अगर हम लोग लिखते हैं तो अर्थो एंड पैरा ट्राइब्रोमो बेंजीन, अर्थो पैरा ट्राइब्रोमो बेंजीन।
अगर हम लोग इसका आईपीएससी नेम से लिखने की कोशिश करते हैं तो वन टू फोर ट्राइब्रोमो बेंजीन। तो यह अभी हम लोग किसका नॉमेनक्लेचर देख रहे थे, एरोमेटिक कंपाउंड का। किसका नॉमेनक्लेचर था? एरोमेटिक कंपाउंड का, जिसको हम लोगों ने कॉमन सिस्टम के अंदर लिखा अर्थोमेटा पैरा, और नंबरिंग के द्वारा हमने उसका क्या दिखाया, आईयूपीएसी नेम सिस्टम दिखाया। तो इस प्रकार से अगर एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास आ रहे हैं तो आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो और उस नंबर को आप गेन कर सकते हो। तो मैंने कुछ एक एग्जाम्पल बताने की कोशिश किया है, लेकिन आपको बुक में जितने भी एग्जाम्पल मिल रहे हैं उसका बिना किताब से देखे हुए, बिना उसका आंसर देखे हुए आपको क्या करना है, पहले उसका नाम लिखना है। पहले उसको आप कॉमन सिस्टम में नाम लिख लो, फिर उसका नाम आप आईपीएससी सिस्टम में लिखने की कोशिश करो। क्योंकि नॉमेनक्लेचर से जो है हमारे बोर्ड में हर एक साल क्वेश्चन रहते हैं। ऑर्गेनिक पेपर की अगर बात किया जाए तो हर एक साल क्वेश्चन रहता है नॉमेनक्लेचर से। अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक का चार कोर चैप्टर है, इसी से मोस्टली रहता है क्वेश्चन। और ऑलमोस्ट जो हमारे पास हेलो एल्केन है, हेलो एरिन्स है, और जो लास्ट का यूनिट है अपने पास एमेन्स, उससे पहले है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से क्वेश्चन हर एक साल बनाए जाते हैं, और वह किसके आधार पर बनाए जाते हैं, नॉमेनक्लेचर के आधार पर। तो आप लोग इन चीजों पर ज्यादा फोकस करोगे। अगर यहाँ पे ज्यादा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 11th का अपना नोटबुक उठाओ, मैंने बता रखा है ऑलरेडी, तो आप वहां से गेन कर सकते हो, वहां से इस चीज को सीख सकते हो। मैंने बहुत ही डिटेल्स में जाके बताने की कोशिश की है। सो आप जो भी आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है उसको आप बनाओ, जो भी एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको आप लोग बनाइए, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक दो और हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, जिसमें पहला एग्जाम्पल जो है अपने पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, और यहां भी जुड़ा हुआ है Cl। क्या जुड़ा हुआ है? Cl। तो यह अपने पास क्या है, विसिनल डाइहैलाइड। क्या है? विसिनल डाइहैलाइड। तो इसका नाम अगर कॉमन सिस्टम में हम लोग लिख रहे हैं CN का मतलब है कॉमन सिस्टम, तो इथाइलिडीन डाइक्लोराइड या इथाइलिडीन क्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइलिडीन क्लोराइड। कॉमन अगर आईपीएससी नेम लिख सकते हैं तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। एक और नाम लिख सकते हैं हम लोग, अगर CH3 और CL और CL, ठीक है, यह क्या है, जेमिनल डाइहैलाइड है। अभी हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में ही देखा है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, इसका कॉमन नेम डाइक्लोरो इथेन क्या हो जाता है, या इथाइलिन डाइक्लोराइड। आईपीएससी नेम इसका क्या हो जाएगा, 1,1-डाइक्लोरो इथेन। सो स्टूडेंट ये सब किसके एग्जांपल थे, आईपीएससी नेम के एग्जांपल थे, और इसको हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग थोड़ा सा आएंगे सीएक्स बॉन्ड के नेचर के ऊपर, कि उसमें कौन सा इफेक्ट उत्पन्न होगा, कहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी आएगी, कहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी, उसको हम लोग ऑलरेडी सीख सकते हैं। सो इसे आप लोग अपने नोट डाउन में लिख लीजिए।
अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, क्या देखते हैं सी एक्स बॉन्ड की प्रकृति, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सो स्टूडेंट अब हम लोग देखना है, हम लोगों को देखना है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, सी एक्स बंध का, सी एक्स बंध का प्रकृति, क्या देखना है सी एक्स बंध का प्रकृति। तो आज बहुत सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में सीखने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत डिटेल्स में जाके बताऊंगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो 11th क्लास में आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है, उसमें आप एक बार जो इंडक्टिव इफेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरक प्रभाव, उसको आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख के आइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। सो आज का लेक्चर जो है हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, और परिवार के साथ बने रहिए, हमारे साथ ऑनलाइन बने रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।